सावन के महीने में पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करने से लोगों को सुख सफलता और समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि इस महीने में हर सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक मान्यता है कि सावन मास के व्रत करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में किया गया दान पुण्य और पूजन समस्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के समान फल देने वाला माना जाता है। सावन सोमवार व्रत कुल वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति और सुख सम्मान देने वाले होते हैं। इन दिनों में भगवान शिव की पूजा बेलपत्र से की जाती है। कहा जाता है कि बेलपत्र से पूजा करने से शिव जी की भक्ति की कामना जल्दी सुन लेते हैं। सावन सोमवार की विधि और पूजा। इस व्रत की शुरुआत सोमवार के दिन जल्दी सुबह सोकर उठ जाते हैं। सुबह उठने के बाद घर की सफाई करें और पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। ईशान कोर में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें। शिव जी की पूजा के साथ शिव परिवार की भी पूजा करें। पूजन सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, पंचामृत, चंदन, रोली, चावल, बेलपत्र, फूल और मेवा शामिल करें। व्रत के दिन सोमवार व्रत का कथा सुनें। सोमवार व्रत समुदाय से शुरू होकर सूर्यास्त तक किया जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार को सावन सोमवार या सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। कई भक्त सावन महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार या 16 सोमवार उपवास रखते हैं और अगले 15 सप्ताह तक जारी रखते हैं। इस सावन ब्राह्मणों से कराए महाकाल सामूहिक अभिषेक, अपने घर की पूजन करें और अभी सावन सोमवार व्रत की कथा और पूजा विधि। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन की तो कमी कभी नहीं थी, लेकिन संतान सुख से वंचित था और इसके कारण वह निरंतर परेशान भी रहता था। संतान प्राप्ति का फल प्राप्त करने के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत धारण करता था। पूरी भक्ति के साथ इस दिन शिव मंदिर जाया करता था एवं भोलेनाथ और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। इसकी भक्ति से माता गौरी प्रसन्न होकर साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी के पास अर्जी लगाई। पार्वती जी की आग्रह से भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस जगत में हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल की प्राप्ति होती है तथा जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे सहना पड़ता है। इसके बाद भी माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति को स्वीकार करते हुए उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर से उनसे कहा। ऐसा करने से शिव जी साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिए, परंतु साथ में यह भी कहा कि उस बालक की आयु सिर्फ 12 साल तक होगी। भगवान शिव और माता गौरी के संपूर्ण वार्तालाप साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद ना तो वह खुश हुआ और ना ही दुखी। अतः वह जैसे शिव की आराधना करता था उसी प्रकार बस करता रहा। कुछ दिनों बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और जब उसका बालक का उम्र 11 साल हुआ तो उसे अध्ययन के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे ढेर सारे धन देकर तुम इसे शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी विद्या पाठ करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना कि यहाँ भी यज्ञ कराओगे वहाँ ब्राह्मण भोज कराकर दक्षिणा जरूर देना। इसी शर्तों के साथ दोनों मामा भांजे काशी की तरफ निकल पड़े। उसी मार्ग में एक नगर पड़ा जहाँ किसी राजकुमारी का विवाह था, परंतु राजकुमार से उसका विवाह होने जा रहा था। वह एक आंख से अंधा था जिसके बारे में राजकुमारी और उसके परिवार वाले नहीं जानते थे, क्योंकि राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपा रखा था और बात छिपाने के लिए कोई चाल सोच रहा था। साहूकार के पुत्र जब राजा की नज़र पड़ी तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न इसे ही राजकुमार बनाकर यानी दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए।
उसके बाद इसे खूब सारा धन देकर भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने घर रख लूंगा। इस प्रकार उसने अपनी चाल के अनुसार उस बालक को दूल्हे की तरह सजाकर राजकुमार के साथ विवाह करा दिया। आपको बता दें कि साहूकार का बेटा अत्यंत ईमानदार था। मौका हाथ लगते ही इसने राजकुमारी के चुन्नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह जिस राजकुमार से होने जा रहा था वह एक आँख से काना था और मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा था। बीच में रास्ते में जबरदस्ती मुझे विवाह में बिठा दिया गया। इस तरह राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी पूरी बात को अपने माता पिता के सामने रखा तो राजकुमार ने अपनी पुत्री को विदा न करने का फैसला किया। एक और साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचकर यज्ञ का आयोजन किया। जिस दिन साहूकार के बालक की आयु 12 वर्ष हुई यज्ञ उसी दिन आयोजित किया गया था। हालांकि लड़के के मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने तुरंत उसे कहा कि तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव जी की वरदान और शर्तों के अनुसार कुछ ही देर के बाद उस बालक ने प्राण अपनी त्याग दी। भाजे को मृत देखकर मामा की विलाप शुरू हो गई। संजोग ऐसा था कि उसी क्षण माता पार्वती और भगवान शिव उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से आग्रह किया, हे स्वामी, मुझे इस प्राणी के रोने की स्वर सहन नहीं हो पा रहा है, कृपया आप इससे कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की आग्रह के बाद जब शिव जी उस मृत बालक के निकट गए और देखकर बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिससे मैंने कुछ समय पहले 12 साल की आयु का वरदान दिया था, अब तो इससे 12 वर्ष की जिंदगी जी ली है। वरदान के अनुसार आयु पूरी हो चुकी है, परंतु मातृभाव से युक्त माँ गौरी ने कहा, हे महादेव, कृपा करें इस बच्चे को आयु और बढ़ा दें, अन्यथा इसे खो देने के दुख में इसके माता पिता भी तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती की इस अर्जी पर महादेव ने उस बालक को पुनः जीवित होने का वरदान दिया और फिर अपनी शिक्षा पूरी करके बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर निकल पड़ा। वापस लौटते समय मामा भांजे उस नगर में पहुँचे जहाँ उस बालक का किसी राजकुमारी से विवाह हुआ था और इस दौरान राजकुमारी के पिता ने उसे देखकर पहचान लिया और उस बालक की महल में खूब खातेदारी और स्वागत किया गया और राजकुमारी को उसे उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी कब से भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की राह देख रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि अगर वह अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो अपने शरीर का भी त्याग कर देंगे, लेकिन बेटे को जीवित रहने की समाचार सुनते ही वह बेहद खुश हो गए और उसी रात्रि को भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में आकर कहा था कि मैं तुम्हारे द्वारा सोमवार व्रत की पूजन और व्रत कथा सुनने से प्रफुल्लित होकर तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत जो कोई भी धारण करता है या किसी कथा सुनता है तो व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही उसके कष्टों का निवारण भी हो जाता है।